सभी प्रदेशवासियों को मेरा नमस्कार। आज हम काफ़ी दिनों के पश्चात आप सबसे बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी हुई है और स्वाभाविक रूप से यह हम सब के लिए चिंता का विषय है। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि हिमाचल एकमात्र प्रदेश नहीं है, पूरे देश के दूसरे प्रदेशों में भी बड़ी संख्या में कोरोना वायरस में बढ़ोतरी हुई है। हिमाचल प्रदेश में जहाँ तक अभी हाल की परिस्थिति है, जो मामलों में बढ़ोतरी हुई है, एक तो सबसे बड़ी बात है कि हम जो लोगों को हिमाचल से बाहर जो फंसे हुए थे उनको लेकर के आए, उसके कारण भी हुई। और दूसरे, जब से अनलॉक फेज टू की शुरुआत हुई है उसके पश्चात हिमाचल प्रदेश में आने जाने का लोगों का जो माध्यम है वो थोड़ा सरल हुआ है। और सरल होने की वजह की क्योंकि हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की ओर जो हमारी इंस्ट्रक्शन थी, गाइडलाइंस थी, उनका पालन हम कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में भी हिमाचल प्रदेश में हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश में जिस भी व्यक्ति को बाहर से आना है वो हिमाचल में प्रवेश होने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करे और रजिस्ट्रेशन के बाद ही वो हिमाचल प्रदेश में जो जहाँ भी उसने जाना है वहाँ पर जाए। अगर वो रेड हॉट जोन से आ रहा है तो उस सूरत में हमने तय किया था कि वो हिमाचल प्रदेश में आने के बाद उसको क्वारंटीन होना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन होना पड़ेगा। और लेकिन उसके बाद अगर रेड हॉट जोन से नहीं है तो उस सूरत में उसको होम क्वारंटीन के लिए आदेश दिए गए हैं। लेकिन ये बात सत्य है कि इस बात को हमको स्वीकार करना पड़ेगा, जो गंभीरता शुरू के दौर में थी कोरोना वायरस के मामलों को लेकर के, उस गंभीरता को आज की नज़र में, आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि उसमें बहुत बड़ी कमी आई है। लोग आना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, जल्दी में सब लोग हो गए। ऐसी सूरत में ये चिंता का विषय है कि जो नियम हमने बनाए थे, सख्त नियम बनाए थे, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा हमने बचाव किया था कोरोना वायरस से लोगों को संक्रमित होने में, उसमें काफ़ी थोड़ा सा लोगों ने हल्के में लेना शुरू कर दिया। इसलिए मैं आज आप सबसे करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा, बहुत गंभीर दौर में से हम गुजर रहे हैं। कोरोना वायरस अपने क्लाइमेक्स की तरफ पहुँच रहा है और कोरोना वायरस जब क्लाइमेक्स की तरफ जा रहा है तो ऐसी सूरत में और ज़्यादा सावधान होने की आवश्यकता होगी। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि बिल्कुल जो भी नियम कानून, जो भी व्यवस्थाएं आपको बताई गई हैं, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, उनका पालन करें। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि फिलहाल आजकल हिमाचल प्रदेश में जब अनलॉक फेज टू शुरू हुआ है, सेब का सीजन भी शुरू हो गया है, लोगों की हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी शुरू हो गई है, ट्रांसपोर्टेशन भी शुरू हो गई है, इन सारी चीज़ों को रोकना भी उचित नहीं होगा। लेकिन सावधानी करें तो मुझे लगता कि अभी भी हमारे पास बचाव का बहुत बड़ा रास्ता उपलब्ध है। ऐसी परिस्थिति में सेब के सीज़न जो हमारी आर्थिकी को बहुत बड़ी ताकत देता है, वहाँ लेबर की जो ज़रूरत थी लेबर पहुँची है और लेबर के लिए हमने पहले ही नियम बनाए। जो भी लेबर बाहर से आ रही है उनको हमने कहा कि क्वारंटाइन करना पड़ेगा, क्वारंटाइन करने के साथ साथ में उनके टेस्टिंग करनी पड़ेगी, टेस्टिंग करने के बाद ही वो जो है काम पर जाएंगे। लेकिन कुछ जगह हमने देखा कि उस तरह की परिस्थिति नहीं रही। सेब का सीज़न क्योंकि ये बहुत लंबा नहीं चलता है, क्योंकि उसमें हर रोज़ हमको इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि बहुत लंबा काम ये नहीं होता है, सीज़न सिर्फ सीज़न के वक्त होता है, इसलिए काम के साथ उसमें जो है हमारा समय का बहुत महत्व है। उस दृष्टि से कुछ बातों को लेकर के कुछ जगह ऐसी स्थिति आई है कि वहाँ पर कुछ लोग पहुँचने के बाद जो बाहर से मजदूर आए हैं वो पॉजिटिव निकले हैं। मेरा फिर से निवेदन है कि जो भी लोग अब आएंगे हिमाचल प्रदेश में सेब के सीज़न के लिए, कि मेहरबानी करके हम जो बाहर से आएंगे, हम बाहर से आने वाले सबको जो है वो 7 डेज के लिए, 7 दिन के लिए क्वारंटीन करेंगे, इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन करेंगे और उसके साथ साथ में उनको 7 दिन के बाद उनका कोविड का टेस्ट करने के बाद उसके बाद काम करने की इजाज़त देंगे। यही परिस्थिति हमने हिमाचल प्रदेश में जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के पास लेबर आती है उसके लिए भी, यही नियम हमने कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ में जो भी हमारी जो फार्म के लिए और भी जो लेबर आ रही है हिमाचल प्रदेश में, उन सब पर लागू होगी। क्योंकि इसके बिना मुझे लगता है कि अब ये वक्त नहीं है, ऐसी परिस्थिति में हमको ये नियम का पालन करना ही होगा। दूसरे,
इस बात को लेकर के भी मैं आपके बीच में जरूर कहना चाहता हूं कि कुछ जगह कोताही हुई है। नाहन में, ददाहू में, गोविंदगढ़ में एक शादी के एक कार्यक्रम में बहुत बड़े लोगों की संख्या में लोग पहुंचे, जबकि नियम कानून बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी लोग आए और बहुत बड़ा संक्रमण वहां फैल गया। मैं उन सारी बातों में अब जाना नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अब हमको बहुत एहतियात और सख्ती के साथ काम करने के लिए आगे बढ़ना पड़ रहा है। मैं आज इस बात को लेकर के कह रहा हूं, आज शाम से 27 तारीख यानी कि 27 तारीख सोमवार तक सुबह तक जो है नाहन का, जो हमारा ददाहू का इलाका है, नाहन का है, गोविंदगढ़ जो है जहां ये गांव है, कस्बा है, उसमें लॉकडाउन रहेगा, पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। और ये लॉकडाउन के साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वहां एक्टिव केस फाइंडिंग की हम सारी प्रोसेस शुरू करेंगे और उसके साथ साथ में जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जो जरूरत है ताकि संक्रमण आगे ना फैले, उस काम को इन 3 दिनों के अंदर पूरा करने की कोशिश करेंगे ताकि कोई भी आदमी जो उनके कॉन्टैक्ट में आया है वो हमारे से टेस्ट से ना छूटे, इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार से मैं आगे बढ़ करके ये भी कहना चाहता हूँ, जो हमारा BBN है, बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ जो है, वहाँ पर भी कुछ एक फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में बहुत सारे मामले इसी प्रकार से जो पाए गए। हालांकि बहुत बड़ा नंबर उसमें जो है, जो क्वारंटीन में हमने रखे थे, इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में रखे थे, उनका नंबर आया है, लेकिन एक आधी फैक्ट्री में ऐसी भी परिस्थिति है कि वो लेबर जो अंदर काम के लिए चले गए थे लेकिन संक्रमण के कारण बहुत सारे लोगों को वो संक्रमित करके चले गए। ऐसी परिस्थिति में हमने ये भी तय किया है कि जहां हमारा BBN का इलाका है वहां हम कल शाम 25 तारीख से 28 तारीख मंगलवार तक सुबह 6 बजे तक वहां पर भी हम लॉकडाउन की आज घोषणा कर रहे हैं, और ताकि वहां पर भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हम पूरी कर सकें और उसके साथ साथ में एक्टिव केस फाइंडिंग के प्रोसेस को भी हम कंप्लीट कर सकें। हमारी कोशिश है कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी प्रभावित ना हो, लेकिन इस बात के लिए हमारी प्राथमिकता पहली रहेगी कि कोई भी आदमी वहां पहुंच करके कामकाज पर जाने से पहले संक्रमण से मुक्त हो, इस बात को हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। इसलिए इसमें मैं पूरा सहयोग चाहूंगा, मुझे पूरा भरोसा इसमें भी पूरा सहयोग मिलेगा। नाहनवासियों से भी मेरा निवेदन है कि वहां पर भी बहुत सब लोगों का ये सहयोग रहेगा। इसी प्रकार से मैं देख रहा हूं कि और जगह भी, मंडी में भी आज बड़ी संख्या में मामले आए हैं, और उसमें एक लंबाथाज की पंचायत है, उस लंबाथाज की पंचायत में बड़ा नंबर आया है, 12 नंबर, तो उसके लिए भी हमने आज कह दिया कि पूरी पंचायत को सील कर दिया जाए और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जितनी भी है उसको दो दिन के अंदर उसको संपूर्ण किया जाए, और संपूर्ण करने के पश्चात ताकि कोई भी वहां पर आगे उसकी फैलने की गुंजाइश ना रहे। इसके साथ में हमने एक बात को लेकर के और भी हमने कोशिश की, हालांकि हिमाचल प्रदेश में जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं उन सब के लिए हमने रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है, बाकी प्रदेशों की तुलना में सख्त नियम रखे हैं, लेकिन फिर भी डेप्टी कमिश्नर्स को हमने आज आदेश दिए हैं कि जो IT के माध्यम से जो वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को और पुख्ता करें। कोई भी आदमी इधर उधर से बिना सूचना के जो है वो बाहर से आकर के गांव में या शहर में कहीं ना पहुंचे, इसके लिए भी हमने आज बात की है, और मुझे लगता है कि इस सारी चीज़ से काफ़ी फर्क पड़ेगा। मैं एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, आप सबको बहुत बड़ा सहयोग मिला है, लेकिन ये संकट बहुत गहरा संकट है। इस गहरे संकट में हम सबको मिलकर के अभी और ज़्यादा आप सबके मदद की ज़रूरत है, और सरकार कोशिश कर रही है हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस को हम रोक सकें, कम कर सकें, और जितना जल्दी हम कर सकें इसके लिए हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। आप सबके सहयोग के लिए मैं एक बार आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन मेरा फिर से विनम्र निवेदन है सभी हिमाचल वासियों से, जब आप लोगों ने यहां तक सहयोग दिया है, समर्थन दिया है इस दौर में, बाकी राज्यों की तुलना में हिमाचल प्रदेश में अभी भी स्थिति बहुत अलग है। बाकी राज्यों में बहुत सारे मामले जो है वो बढ़े हैं, और ऐसे में मैं मानता हूँ मामले बहुत बढ़े हैं हिमाचल प्रदेश में भी, लेकिन फिर भी हम हिमाचल प्रदेश में अभी भी बेहतर हैं। लेकिन मुझे आप सबके सहयोग की आवश्यकता है, आप सबके समर्थन की आवश्यकता है ऐसे संकट के क्षण में, और मेरा विनम्र निवेदन है खास तौर से जो लोग
महज राजनीति कर रहे हैं, ये दौर उस काम के लिए नहीं है। और ऐसे संकट में हम सबको मिलकर के चलना है। आपके सुझाव का अभिनंदन है, स्वागत है, लेकिन फिर भी मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि हिमाचल प्रदेश को कोरोना के इस संकट से बाहर निकालने के लिए पूरे हिमाचल वासियों की सहयोग की आवश्यकता है। और मैं उम्मीद करता हूँ, पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, हम इसमें निश्चित रूप से सफल होंगे, कामयाब होंगे। जय हिंद, जय हिमाचल।